अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ आर्टरीज ऑफ फूड को पढ़ना शुरू किया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे आर्टरीज ऑफ फूड की जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उनकी इंपॉर्टेंस थी, उसकी बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो यहाँ पर उसका लिंक आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा। इस लिंक को क्लिक करके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको आर्टरीज ऑफ फूड समझने में आसानी हो। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा हमारे फुट की प्रॉबेबली सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बोनी आर्च, विच इज द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। तो आज हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, इसकी सपोर्ट देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और सारी चीजें इसकी हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये शुरू करवाऊँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो मेडिकल में पढ़ते हैं और परेशान रहते हैं इस तरह के टॉपिक्स को लेकर, उन तक भी इसका लिंक जो है वो पहुंचाएं। तो सबसे पहली चीज जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में हमें देखनी है वो इसकी बोनी कंपोजिशन है। ये मैंने स्लाइड पे बोन के नाम लिख दिए, आप इससे नोट बना लीजिएगा। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बोन नजर आ रही है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कैल्केनियम नजर आ रही है। कैल्केनियम के बाद जो दूसरी बोन आपको यहाँ नजर आ रही है, दिस इज योर टेलस। टेलस के बाद जो तीसरी बोन आपको यहाँ नजर आ रही है वो है आपकी नेविकुलर। नेविकुलर के बाद आपकी जो तीन क्यूनिफॉर्म बोन होती है, विच आर द मीडियल, इंटरमीडिएट एंड द लेटरल क्यूनिफॉर्म, वो तीनों उसको बनाने में रोल प्ले करती है। और उसके बाद जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल होते हैं, तीन मेटाटार्सल। तो ये टोटल जब आप बोन देखेंगे तो ये आपकी तकरीबन 9 बोन बन जाएंगी। तो एक कैल्केनियम, 2 टेलस, 3 नेविकुलर, 3 यूनिफॉर्म 6 और 3 मेटाटार्सल 9। तो ये 9 बोन मिलके आपकी जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसको जो है वो बनाती है। अब जब हम मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को देख लेते हैं तो उसके बाद हमें देखना है कि इसमें कौन सी बोन किस तरह से काम कर रही है। तो ये इसके नोट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, इसको पॉज करके नोट बना लीजिएगा, मैं आपको उसकी डायग्राम में से इसको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो शेप ऑफ बोन में, तो ये जो आपको बोन नजर आ रही है विच इज द टेलस, तो ये टेलस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो की स्टोन बोन होती है वो उसका काम कर रही है। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो इस टेलस को कैल्केनियम, या आपको कैल्केनियम नजर आ रही है विच इज द हील बोन, जो कि हमारी हील होती है, उसमें ये आपको एक प्रोसेस नजर आ रहा है विच इज कॉल्ड द सस्टेंटिकुलम टेली। और ये सस्टेंटिकुलम टेली जो है वो सपोर्ट करता है कि इसको, टेलस को आप देख रहे हैं, टेलस उसके ऊपर सपोर्ट कर रही है। उसके बाद जब आप देखते हैं तो ये जो टेलस का हेड है ये आगे जाके जो नेविकुलर बोन है उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। तो एक तो आपने देखा कि यहाँ पर टेलस की आर्टिकुलेशन हो रही है किसके साथ, कैल्केनियम के साथ और नेविकुलर बोन के साथ। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो आपकी क्यूनिफॉर्म बोन है वो रिसीव कर रही है कि ये आपकी यूनिफॉर्म बोन है, ये मिडिल यूनिफॉर्म है, ये इंटरमीडिएट है और ये लेटरल है। और आप देख रहे हो कि तीनों की तीनों आर्टिकुलेट कर रही है यहाँ पर इस यूनिफॉर्म बोन के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो हेड ऑफ द टेलस है, ये हेड ऑफ द टेलस यहाँ पर इस नेविकुलर बोन के साथ जो आर्टिकुलेट कर रहा है। और सस्टेंटिकुलम टेली आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, वो आपको इस वाली जो इमेज है उसके अंदर नजर आ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो आपको बताया, किसी भी आर्च में वो ये होती है कि ये जो बोन होती है हाउ दे आर हेल्ड टुगेदर। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें इस डायग्राम को तो यहाँ पर ये डिफरेंट आपको जो है वो प्लांटर लिगामेंट नजर आ रहे हैं, जो इन सारी की सारी बोन्स को जो आपस में जो है वो बांध के रखते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पर टिबिलियस एंटीरियर, टिबिलियस पोस्टीरियर के टेंडन नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर सस्पेंशन का, सपोर्ट का काम भी जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये टाइंग आर्च टुगेदर और सस्पेंशन, इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा उसकी डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो ये आपको डायग्राम यहाँ नजर आ रही है और इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके जो प्लांटर एपोनेरोसिस है और उसके साथ जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग जो प्लांटर लिगामेंट है, आपको मालूम है ये प्लांटर लिगामेंट बड़े स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होते हैं, ये इस आर्च को एक दूसरे के साथ बांध रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये कैल्केनियम को, टेलस को, नेविकुलर को, क्यूनिफॉर्म को, सारी बोन्स को आपस के अंदर जो है वो जोड़ रहे हैं। इसके अलावा दो जो आपके पास, दो तो नहीं, दो से कुछ ज्यादा जो छोटे मसल्स होते हैं वो भी यहाँ पर जो है अपने टेंडन्स के जरिए इसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। और उनमें फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस जो है आपको बीच में नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसके टेंडन को बांधने में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। फिर एबडक्टर हेलुसिस आपको नजर आ रहा है, इसमें इसका रोल है। इसके साथ फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस भी यहाँ पर अपना जो रोल है वो प्ले कर रहा है, उसके टेंडन आपको यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं फ्लेक्सर हेलुसिस के। तो इस तरह और भी कुछ मसल हैं जो यहाँ काम करते हैं। अच्छा, अब ये जो आपका आर्च है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, आप देख रहे हैं इसको ऊपर से सस्पेंड कर रहे हैं ये टिबिलियस एंटीरियर, टिबिलियस पोस्टीरियर के जो टेंडन है ये इसको ऊपर से सस्पेंड करके सस्पेंशन का काम भी कर रहे हैं। और यही चीज आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रही है। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको बड़ी आसान भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा और तुम्हारा झगड़ा इसी बात पे है, तुम सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हो। चलो अपना ख्याल रखो, मुझे इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़।